गाइस कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी फिश के लिवर को कि फिश का लिवर यानी फिश का जिगर किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन से लोब्स होते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, उसमें हार्मोन्स कौन से निकलते हैं एंड जो ऑयल वाली टैबलेट्स हमारे पास आती हैं जो इस तरह से बनी हुई होती हैं तो वो किस तरह से आती हैं, वो दरअसल लिवर का ऑयल ही होता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये किस किस फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि इंट्रोडक्शन क्या है। लिवर जो है ये बहुत भारी ऑर्गन है, डेंस ऑर्गन है, ठीक है। इसको अभी कह रहे हैं कि ये क्या है, ये डेंस ऑर्गन है। एंड दूसरा ये कि जितनी भी वो कैविटी होती है, अगर इस तरह से फिश की बॉडी है ना, ठीक है, तो जितनी भी उसकी ये कैविटी है वहाँ पर ना ये यहाँ पर अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। सर नेक्स्ट आ जाते हैं इसका साइज, इसकी शेप और इसका वॉल्यूम। तो ये डिपेंड कर रहे होते हैं उसके विजरल ऑर्गन्स पे, उसकी स्पेस पे, उसकी कैविटी पे कि कितनी स्पेस है, कितनी जगह पे वो आ सकती है। तो इस तरह से जो है लिवर वहाँ पे जो है आएगा। जैसे कि अगर ये इस तरह की हेल्दी फिश है तो उसमें लिवर जो है ना उसके लिए जगह काफ़ी है, लेकिन कुछ ऐसी स्मार्ट सी फिशेज होती हैं जैसे कि आपने हैक फिश जो है वो देखी होगी एंड साथ में जो है हम किसी और फिश जो मतलब फास्ट जो है ना मूव करती हैं तो उनके अंदर भी उनकी बॉडी बड़ी स्लिम सी होती है, स्मार्ट सी होती है, तो उनमें भी इनका साइज़ जो है वो वेरी कर जाएगा और अकॉर्डिंग टू स्पीशी भी वेरी करेगा। एंड इसके अलावा जहाँ इसमें तीन लोब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, थ्री लोब्स में इसको डिवाइड किया जाता है। एंड अगर हम देखें ना तो यहाँ पर किसी किस्म की लोब्यूलेशन जो है, ठीक है, यानी कई ऐसी भी जगह हैं, कई ऐसे भी फिशेज हैं जिनके अंदर जो है ना लोब्स होते ही नहीं हैं। कुछ में थ्री अगर लोब्स होंगे तो थ्री होंगे और कुछ में नहीं है तो फिर वो होंगे ही नहीं, बस सिंपल सा ना। आपको ये नीचे डायग्राम नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं तो ये देखें, ये स्टोमिक है, ठीक है, ये हो गया स्टोमिक। एंड उसके बाद ये देखें ये जो चीज़ है, एंड ये पहले देखें तो ये है एसोफेगस। सबसे पहले एसोफेगस आती है, फिर स्टोमिक आता है, स्टोमिक के बाद जो है ना ये देखें ये जब शुरू होगी ना इंटेस्टाइन, ठीक है, तो साथ में सबसे पहले जो ये चीज़ आएगी इसको हम क्या कहते हैं, पेंक्रियाज। तो अभी हम यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है साथ में ये इधर अटैच है तो ये क्या है, ये लिवर है। देखिए आप लिवर के लोब बने हुए हैं, एक दो तीन, तीन लोब्स इसके बने हुए हैं एंड साथ में ये जो है ना ये इसकी पूरी गट आ रही है और ये एंड हो रही है एंड तो जो मैंने आपको पहले ये डायग्राम दिखाई है, ठीक है, ये जो है ना ये किसकी है, ये एलेस्मोब्रैंक की है, यानी कि ये शार्क की है, ठीक है। आप इसको देख लो कि ये शार्क का जो सिस्टम होगा ना वो इस तरह से होगा, उसमें लिवर जो है ना इस शक्ल में होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये जो है ना ये बोनी फिशेस जो हैं, ठीक है, टीलियोस्ट, ये उनका है। अब ये वाली जो चीज़ है ना ये स्टोमिक है, ये उनकी एसोफेगस है और ये वाली जो जिसको एल लिखा हुआ है ये क्या है, ये इसका लिवर है। एंड ये जो है ये पेंक्रियाज आ गया और ये देखें ये जो है ना ये छोटू सा ये इसका गाल ब्लैडर है, तब यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, गाल ब्लैडर है। एंड ये पूरी इंटेस्टाइन हो गई एंड ये एनस पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना इसके अंदर मौजूद होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों का जो लिवर है ना वो डिफरेंट है। अगर शार्क हुई तो उसमें जो है ना यहाँ पे लोब्स आ जाएंगे। दरअसल होता ये है कि जो लिवर की शेप है वो हम फिशेस में देखेंगे तो उनमें जो फिशेस में कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती और ना ही कोई स्पेसिफिक जो है ना उनमें इसकी कोई शेप होती है। ये शेप को जगह के हिसाब से सेट कर लेता है। अगर जगह जो है वो इतनी है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना ये इस तरह से ना आ जाएगा, ठीक है। अगर जगह इतनी है तो फिर ये उसमें ऐसे ना मतलब जगह के ऊपर डिपेंड करता है, स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी शेप क्या होगी, अदरवाइज़ इसकी कोई प्रॉपर किसी भी फिश के अंदर शेप नहीं है। जिस तरह ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना कि उनका यूँ इस तरह से जो शेप होती है पक्की, लेकिन इसमें इस तरह की कोई शेप नहीं है, डिफरेंट फिशेस में डिफरेंट हो सकती है। एंड दूसरी चीज़ ये कि जो लॉन्ग एंड थिन ईल्स होती हैं, मतलब आपको पता है एक ऐसी फिश होती है यूँ ऐसे लॉन्ग होती है उसको हम कहते हैं ईल, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना ये एलोंगेटेड होता है, ठीक है। अब ये लंबी है ना, लंबी फिश है तो इसमें लिवर भी ना यूँ इस तरह लंबाई में होगा, ये चौड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्केट की या फिर रेस की तो आपको पता है कि वो इस तरह से होती हैं, जिस तरह ना बटरफ्लाई होती है ना बिल्कुल इस तरह से, और यूँ इनकी पीछे से एक टेल निकली हुई होती है। तो ये फिशेस इस तरह से होती हैं, इनका हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये रेज है, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये बहुत चौड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं और ये रहती हुई बॉटम में है,
तो इनके अंदर जो है ना लिवर वो वाइड होगा बड़ा। तो लिवर का जो साइज़ है वो शार्क्स के अंदर भी डिफरेंट हो सकता है, उनकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी जो बॉडी कैविटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी है, कहाँ तक एक्सटेंड हुई हुई है और उसमें कितनी स्पेस है। एंड साथ में जो चीज़ है नेक्स्ट वो ये कि इनके स्ट्रक्चर में देखें 3 लोब भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं एंड साथ में 1 लोब भी हो सकता है। लोब्स भी जो है ना वो डिफरेंट स्पीशीज पे डिपेंड करते हैं कि कितने हैं। कुछ ऐसी जैसे सलमोनिडी जो फैमिली है इनमें 1 लोब जो है वो मौजूद होता है फिशेज़ के अंदर। लिवर जो है ना उसके डिफरेंट लोब्स होंगे और डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट लोब्स होंगे। नेक्स्ट हम जो है ना इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। देखें सबसे पहला रोल इसका डाइजेस्टन में है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है कि आपको देखा होगा कि यूँ इस तरह से स्टोमिक था, स्टोमिक के साथ ही ना जैसे इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे जो है ना वो लिवर आ गया था। तो लिवर का डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये फैट्स की ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये स्टोरेज हाउस है, ये क्या करता है जितने फैट्स कार्बोहाइड्रेट इन सब को नेक्स्ट जो है वो इसका फंक्शन आ जाता है कि इसने जितने भी ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, कुछ ओल्ड होते हैं यूँ ख़राब हो जाते हैं, उनका फंक्शन जो है वो अच्छा नहीं रहता। वैसे तो रेड ब्लड सेल्स यूँ इस तरह होते हैं, अगर वो ख़राब हो गए हैं, उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है या वो ओल्ड हो गए हैं तो उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे और उनमें से जितनी मुफीद चीज़ें हैं जो यूज़फुल हैं उनको यूज़ करके नए ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प कर देंगे। एंड देखिए जितने भी जो ब्लड की केमिस्ट्री है उसको मेंटेन करके रखना इनका काम है, इन्होंने रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन करके रखना है। आपने सुना होगा लोग अक्सर कहते हैं कि जिगर खून बनाता है, इट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जो खून है, जो ब्लड है वो तो बनता है बोन्स के अंदर, लेकिन उनकी जो मैच्योरिटी है, जो उन्होंने आके बड़ा होना है, परवरिश जो उनकी होनी है वो होती है लिवर के अंदर। इस वजह से हम कहते हैं कि ये उस ब्लड की केमिस्ट्री को मेंटेन करके रखते हैं। साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट, जितना नाइट्रोजनस वेस्ट है, जितने नाइट्रोजन के काम हो रहे हैं, जितना वो हम देखते हैं अमोनिया और अमोनिया के बाद यूरिया और जितनी कन्वर्जन है वो सारी की सारी इसी के अंदर हो रही होती है। एंड यहाँ पर बहुत सारी सब्सटेंस, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स आ जाते हैं जो इससे रिलीज़ होते हैं और वो भी डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म कर रहे थे। आगे हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। और बायोन्सी में भी इसका जो है ना रोल है और ये फिश को कभी भी जो है ना मतलब डूबने नहीं देता, सिंक नहीं होने देता उसको। नेक्स्ट देखें तो लिवर जो है इस ये क्या करता है, ब्लड को क्लीन करता है, ठीक है, मतलब वही जो ओल्ड सेल्स हैं उनको क्या करेगा, उनको ख़त्म कर देगा और जो न्यू सेल्स हैं उनकी ग्रोथ करके ना उनको आगे सेंड कर देगा। तो इस तरह बंदा जो होता है वो हेल्दी रहता है। जो अमोनिया है, अमोनिया एक टॉक्सिक है, तो मैंने आपको पहले बताया कि अमोनिया जो है उसको ट्रांसफर कर देता है यूरिया के अंदर, यूरिक एसिड के अंदर, तो फिर वही चीज़ जो है ना वो इस तरह मतलब लेस टॉक्सिक जो है ना उसमें कन्वर्ट हो जाती है। और ये कन्वर्ट किधर होती है, लिवर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, इसको यूरिया में कन्वर्ट करेगा जो बॉडी से रिलीज हो जाएगा। साथ में जितने मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, जितनी फूड की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, खासतौर पे फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, तो वो जो है ना वो इसी का काम है, इसी के अंदर हो रहे होते हैं। इसके अलावा जितनी प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोटीन जो नहीं बन रही होती है वो भी इसी के अंदर बनती हैं, जैसे कि एल्बुमिन हो गया और प्रोटीन ब्लड के अंदर जो होती हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज़ होती हैं। एंड साथ में जो है हम हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो वो जो ऑक्सीजन कैरियिंग प्रोटीन है वो भी इसी के अंदर बनती है। एंड इसका मेन जितनी भी एलिमिनेशन का काम है ना, हार्मफुल सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करना, वो काम जो है ना लिवर कर रहा होता है। जैसे कि RBCs हैं, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो बिली रिबन बनता है, बिली रिबन ब्राउनिश कलर का होता है या येलोविश कलर में होता है, तो इसको बॉडी से रिलीज करना भी इसी का काम होता है लिवर का, कि वो क्या करता है इसको बना के निकालता है आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आगे मूव करके जो है ना वो फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। एंड दूसरी जो चीज़ है वो ये कि जो अमोनिया होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि NH3 है ये बहुत हार्मफुल है, उसको क्या करता है कि यूरिया की फॉर्म में जो है ना वो रिलीज़ करता है। और ये आता कहाँ से है, ये आता है प्रोटीन से, जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है ना तब ये आता है। एंड कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर यूरिया जो है ना वो आगे फर्दर नहीं हो सकता, ठीक है, वो बॉडी से निकलता नहीं है बल्कि वो वहीं पर जमना शुरू हो जाता है, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि उन लोगों को ना यूरिक एसिड हो गया, इस वजह से उनकी प्रोटीन की जो डाइट होती है, फूड होती है, वो रोक दी जाती है, उनको बोला जाता है कि आपने प्रोटीन नहीं खानी क्योंकि उससे ये अमोनिया बनेगा और अमोनिया से यूरिया बनेगा और यूरिया जो है वो उनके लिए नुकसानदेह होगा, इससे उनको क्या होती है, उनको ना हड्डियों की दर्द है। लिवर जो है इनका हम ऑयल यूज़ करते हैं, अब ये हम देखेंगे कि उनकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये किस लिए यूज़ की जाती हैं। इनकी ना इस तरह टैबलेट्स बनाई जाती हैं या फिर वैसे ये आपको बॉटल्स वगैरह में मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कोड लिवर ऑयल है, ये येलविश कलर का होता है एंड इसमें ना थोड़ा सा फिश का टेस्ट आ रहा होता है। साथ में जो है नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें न्यूट्रिशनल सप्लाई होती है, न्यूट्रिशन के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं कोड फिश। एंड ये क्या है कि इसमें अब ओमेगा 3 जो जितने भी फैटी एसिड होते हैं वो यूज़ होते हैं एंड इसमें विटामिन A, विटामिन D दोनों प्रेजेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओमेगा क्या है। देखिए ओमेगा जो है ना ये इस तरह से होता है, ये इसका साइन है ओमेगा का,
जो बड़ी बड़ी फैटी एसिड की चेन होती है ना, यू इस तरह से ना बनी होती है, ठीक है। अब उनको ब्रेक करना होता है यहाँ से, तो जो ब्रेक किया जाता है तो वहाँ पे जो है ना ओमेगा जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इस तरह से चीज़ें जो है ना उनको ब्रेक करके उनमें से एनर्जी निकाली जाती है, ख़ासतौर पर जो फैट्स होते हैं उनसे एनर्जी हासिल करने के लिए ओमेगा जो है ना, ठीक है, ये वाली हम यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि ये वाली एनर्जी जो है ना इनसे हासिल की जाती है। तो ये जितने भी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ना, ये इसीलिए यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पे विटामिन की जो है क्वांटिटी होती है वो भी हाई है, विटामिन ए एंड डी। और जिन लोगों को रैकेट्स होती है या विटामिन डी की कमी होती है उनको ये वाली टैबलेट्स मैंने आपको बताई थी ऑयल वाली, ये दी जाती हैं ताकि विटामिन डी की जो कम है ना कमी वो पूरी हो जाए। वही चीज़ कि अर्थराइटिस जो है ना बीमारी वो नहीं होगी, बोन्स की बीमारी है, और रैकेट्स भी जो है ना वो भी प्रिवेंट हो जाएगी, वो भी नहीं होगी। एंड साथ में जो विटामिन ए डी एंड ई जो है ना ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन तो ई जो है ना ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा होता है। अगर ये ना हो ना तो बड़ी ब्लड क्लॉटिंग में मसला हो जाता है। और फिश तो है भी पानी के अंदर, तो उसके अंदर जो है ना विटामिन डी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर ह्यूमंस में ना हो तो वही इस ना लिवर का ऑयल लेके तो उसे हम क्या कर रहे हैं अपनी पूरी कर। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स को, लिवर कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है और उनकी रेगुलेशन किस तरह कहता है। देखें कि हार्मोन्स जो है ना वो बनते हैं ग्लैंड के अंदर, और लिवर जो है इसको हम ग्लैंड भी कहते हैं। एंड देखें ये बहुत ही पावरफुल है, इसके इतने फंक्शंस हैं, इतनी चीज़ों को इसने हैंडल किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। तो अभी इसके जो है ना कुछ हार्मोन्स यहाँ पे जो फिशेस के अंदर आते हैं वो लिखे गए हैं, जैसे कि इंसुलिन है। तो इंसुलिन देखें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंसुलिन की, इंसुलिन का काम क्या होता है कि इसने क्या करना है, बॉडी की जो शुगर लेवल है उसको इसने कंट्रोल करके रखना होता है। अगर इंसुलिन ख़त्म हो जाए तो इंसान को शुगर हो जाता है, तो सेम हो सकता है फिश को भी शुगर होती हो। खैर वैसे ऐसे इंसुलिन जो है ना ये हार्मोन है जो क्या करेगा, ग्लूकोज और शुगर जो है ना उनको कंट्रोल करके रखेगा बॉडी के अंदर। हेपेटोसाइट्स जो हैं सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रोड्यूस होती है इंसुलिन, एंड इंसुलिन जो है इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, और इसने सेल की ग्रोथ होगी या डिवेलपमेंट होगी उनको कंट्रोल। अब ये एक सेल है ना, ठीक है, ये अब छोटा सेल, अगर इसको वक्त पे खाना ना मिले तो ये क्या होगा, ये ऐसे श्रिंक होके ना तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसको सही जो है ना सारी फूड मिले तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से कि अब खुराक क्या है, वो ही शुगर है, वो ग्लूकोज है। तो जब इसको ग्लूकोज मिलेगी तो ये सही, इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है, इसकी ग्रोथ और इसकी डिवेलपमेंट जो है ना वो हो जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो फिर ये श्रिंक होके ख़त्म हो जाएगा। तो सेम इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलिन जो है ना वो क्या कर रही है, वो ग्रोथ और डिवेलपमेंट में रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो हार्मोन आएगा उसका हम कहते हैं ये क्या है, ये एंजियोटेंसिन है, या फिर इसको आप ना एंजियोटेंसिनोजिन जो है ना ये भी कह सकते हो। ये भी हेपेटोसाइट में होता है। देखिए जब कोई पूछे ना आपसे लिवर के सेल्स कौन से होते हैं तो वो आपने कहना है हेपेटोसाइट्स, ठीक है। हेपेटिक जो है ना वो हम लिवर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, चाहे हेपेटिक डक है ये हेपेटोसाइट है। अब इसके जो फंक्शंस हैं, अब इसने क्या करना है, जो आपने पढ़ा होगा एल्डोस्टेरोन, अब इसका जो फंक्शन होगा वो वेसल कंस्ट्रक्शन में होगा। जो इस तरह वेसल्स होती हैं ना ब्लड वेसल्स, ठीक है, अगर वो खुली हुई है तो वो क्या होंगी, वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी, ठीक है, उनके दरमियान जो स्पेस है ना वो कम रह जाएगी, ल्यूमन कम रह जाएगी। तो वैसे कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा। एल्डोस्टेरोन जो है ये हार्मोन होता है जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कि किडनी के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं ना उनमें से रिलीज होता है, तो उसको रेगुलेट करता है। साथ में जो है ना ये डिप्सोजेन जो है, ठीक है, इन सबको ये कंट्रोल करता है। तो ये इसके सारे जो है ये फंक्शंस हैं। एंड देखिए उसके बाद आ जाता है थ्रोम्बोपोएक्टिन। अब ये भी हेपेटोसाइट से रिलीज़ हो रहा है, मतलब लिवर के सेल से रिलीज़ हो रहा है। एंड इसका जो मेन जो है ना वो क्या है, ये क्या करता है कि मेगा कैरियोसाइट्स हो गए, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन मेगा कैरियोसाइट्स को यूज़ करता है ताकि वो क्या करें, वो प्लेटलेट्स बना सकें। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं पूरी बॉडी।